Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. Okay, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे 43, 91 एंड 183 को सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर. नाउ गिवन क्या क्या है, हमें गिवन आर द नंबर्स, क्या क्या नंबर्स हैं 43, 91 एंड 183. नाउ सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम बोथ द हाईएस्ट नंबर्स. तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम बोथ द हाइएस्ट नंबर्स, बोथ द हायर नंबर्स. तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव थ्री केसेस, वी हैव थ्री केसेस. पहला है 183 इज ग्रेटर देन 43 एंड 183 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 91 एंड 91 इज ग्रेटर देन 43. तो सबसे छोटा क्या है, 43 है. तो 183 माइनस 43 हमें क्या मिलेगा, 140. देन 183 माइनस 91 हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 92. एंड तीसरा वाला जो है वो है 91 माइनस 43. तो जब हम ये सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 48. नाउ वी हैव थ्री न्यू नंबर्स, हमारे पास तीन नए नंबर्स आ गए. वो तीन नए नंबर्स क्या हैं, 140 कॉमा 48 कॉमा 92. नाउ इनका हमें एच सी एफ निकालना पड़ेगा, एच सी एफ ऑफ 140 कॉमा 48 कॉमा 92. जब हम इसका एच सी एफ निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारे हमें इसका एच सी एफ जो निकल कर आता है वो आता है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इसका एच सी एफ निकल के आएगा 4. तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा द हाइएस्ट नंबर, द हाइएस्ट नंबर दैट डिवाइड वन एटी थ्री 91 एंड 43 एंड लीव द सेम रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4. सो ये तरीका है सवाल को करने का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.